यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम 51वां अध्याय जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण, संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋतविजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यह आप लोग बताएं। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूं। ऋतविजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणि, ऋतविजों के ऐसा कहने पर राज ऋषि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, तब उन ऋतविजों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋतविज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधिपूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋतविजों से सुशेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋतविजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्रोपक्रम संबंधी 51वां अध्याय पूरा हुआ। 52वां अध्याय, सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधिपूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋतविज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपकंपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबका वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे।
कोई एक कोस लंबे थे तो कोई चार कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विश्व वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिग के समान मोटे अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्वसत्रोपक्रम विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53वां अध्याय सर्प यज्ञ के ऋतविजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जनमेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋतविज बने थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत पुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्र शर्वाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूं जो उस समय राजा जनमेजय के ऋतविज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। उनका जन्म चैवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा शारंगरव और पिंगल अधवर्यु थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतश्रवा, कोहल, देवशर्मा, मौद्गल्य तथा समसौरव, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में ज्यों ज्यों ऋतविज लोग आहुतियां डालते, त्यों त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आ आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहां उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे।
सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगा, अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूं और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है, जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है, निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है, तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्ये, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तीक उस यज्ञ को बंद कर देगा, अतः वत्से आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो, वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र के विषय में वासुकी वचन संबंधी 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय, माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था, उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है, अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मां, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली। जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है, उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था, जिस कारण से वह शाप दिया वह बताती हूं, सुनो। पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विनता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी उसमें उस घोड़े के संबंध में विनता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया, इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। तात, मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी, फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे, अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवन, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु मुनि, जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया, तदनंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है, अतः
उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो, जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्र श्रवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, मां, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा, यह आपसे सत्य कहता हूं। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूं। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी, सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृप श्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमय वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझमें यह सब कुछ करने की योग्यता है, आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहां मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह भय न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विज श्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जनमेजय, ऋतविजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र में आस्तिक का आगमन विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।